अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है ना, मैं फिर से क्रैश कार की ऑक्शन में मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ पे ये सिविक खड़ी हुई है, 1000 दिरहम से स्टार्ट हो रही है। और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, ये 1000 दिरहम से इनकी बिड स्टार्ट हो रही है। इन गाड़ियों को कैसे लेते हैं, पाकिस्तान इंडिया इम्पोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और लेफ्ट और राइट की जो कन्फ्यूजन है वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ अभी सारी गाड़ियाँ, कौन सी गाड़ी की कितने में बिड स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये आपने माइंड में रखना है कि जो स्टार्टिंग बिड होती है वो स्टार्टिंग बिड है, यानी कि 1000 से स्टार्ट होती है। ऊपर ऑल द वे अब जा सकती है, 10000 तक भी ये गाड़ी जा सकती है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं आगे और गाड़ियाँ। स्टार्टिंग बिड है ये, ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मर्सिडीज़ से, इसका मैं आपको डैमेज दिखा देता हूँ, फिर स्टार्टिंग बिड दिखा देता हूँ इसकी। इसका बम्पर आगे से डलने वाला है, यहाँ से इसकी लाइट नहीं है और बाकी आपके सामने है। और अंदर से इसका इंटीरियर देख लेते हैं, क्या इसका इंटीरियर है। वाओ, ज़बरदस्त, ये एयरबैग खुला हुआ है। अच्छा, ये एयरबैग जो है ना, ये पूरे का पूरा ये नया मिल जाता है, इसको कोई इशू नहीं है। यहाँ से सेकंड हैंड स्पेयर पार्ट मार्केट से मिल जाता है, तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है यार इंटीरियर इसका, बहुत प्यारा है। और इसकी स्टार्टिंग बिड है ये आपके सामने 39500, 39500 दिरहम से स्टार्ट। और बैक साइड से देख लें, 1000 दिरहम से स्टार्ट होने वाली मर्सिडीज़ भी खड़ी हैं। उसके साथ ये लेक्ज़िस है, ठीक है, ये लेक्ज़िस है, ये 1000 दिरहम से स्टार्ट हो रही है आपके सामने। और बाकी इसकी कंडीशन देख लेते हैं, इसका इंटीरियर देख लेते हैं। ये है इसका इंटीरियर, ज़बरदस्त। इसका कोई एयरबैग वगैरह पॉप नहीं है, देखते हैं अगर से मे बी डैमेज ना हो। नीचे से भी कोई पॉप नहीं है, एयरबैग्स इसके कहीं से भी नहीं है। तो ये एक्सीडेंट तो है यार सामने से, लेकिन फिर भी इसके एयरबैग पॉप नहीं हुए, आई डोंट नो व्हाई, कि चेसिस और से नहीं लगा होगा। तो ये है ऐसी कंडीशन। तो इसके साथ ही खड़ी हुई है होंडा सिविक, जो कि मेरी भी फेवरेट है और बहुत सारे लोगों की फेवरेट है। इसका डैमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये देख लें, इस साइड से कोई डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये भी 1000 दिरहम से स्टार्ट हो रही है। इसकी भी बिट अंदर से देख लेते हैं क्या कंडीशन है। ये है अंदर से कंडीशन, अंदर से कोई साफ़ सुथरी नहीं लग रही है इतनी। एयरबैग तो खुला हुआ है ही, इस शायद उसका विंडो डाउन थी तो कोई बारिश वगैरह हुई है, उसकी वजह से कोई पानी वानी अंदर आया या जो भी था। और ये अमेरिका से मोस्टली इम्पोर्ट होती हैं गाड़ियाँ, ये देखो कॉइन्स भी पड़े हुए हैं, ये अमेरिकन ही होंगे, ये देख लो। तो उसके बाद बहुत सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, ये चेक करो, इधर पड़े हुए हैं, उधर पड़े हुए हैं, ये तो भरे हुए हैं कॉइन्स इसमें अमेरिकन। और बैक साइड से देख लेते हैं, सनरूफ भी है इसमें। ये इसकी स्टार्टिंग बिड है, ये है इसके बैक से अलॉय रिम वगैरह लगे हुए हैं, कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है वैसे। और ये है इस साइड से, और सामने से डैमेज इसका देख लेते हैं क्या है। इंजन भी दिखाता हूँ, ये है इसका डैमेज, बम्पर नया डलेगा, फ्रंट फेंडर नया डलेगा, दरवाज़ा नया डलेगा। और बाकी इसकी कंडीशन देख लो यार, बैटरी भी बिल्कुल न्यू है, गाड़ी भी बिल्कुल न्यू ही होगी फिर। ये चेक कर लो यार, ज़बरदस्त, क्या कमाल गाड़ी है यार। इस गाड़ी के अंदर जो अमेरिका में लॉन्च हुई थी उसमें ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, जैसे ही इसका लेफ्ट या राइट इंडिकेटर ऑन करते हैं, ये कैमरा लगा हुआ है, तो इसके अंदर जो एलसीडी है उसके अंदर जो है ना ऑन हो जाता होता है ये इस साइड का व्यू। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सा फीचर है। उसके बाद यहाँ पर एक डॉज खड़ी है, एसयूवीज भी खड़ी हुई हैं काफ़ी सारी हैं, तो ये डॉज चेक कर लेते हैं आगे से, यहाँ से टूटी हुई है। ये है इसका इंजन यहाँ से आपके सामने, कंडीशन इंजन की। और ये 11500 दिरहम से इसकी बिड स्टार्ट हो रही है, अंदर से देख लेते हैं। ये है इसके इंटीरियर, जिसके एयरबैग वगैरह पॉप हुए पड़े हैं सारे, जो कि चेंज हो भी जाते हैं। ये है इसकी बैक से कंडीशन। अच्छा, ये एक मर्सिडीज़ है, ठीक है, इसकी भी स्टार्टिंग बिड जो है 1000 दिरहम है। ये वन से कोई एयरबैग वगैरह पॉप नहीं है, इसके साथ ही कैमरी खड़ी है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये नेक्स्ट ऑक्शन के लिए, लेकिन आज वाली ऑक्शन में नहीं होगी ये। क्या ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त। और कोई एयरबैग वगैरह पॉप नहीं है इसका, फ्रंट से देख लेते हैं। ये है इसकी कंडीशन फ्रंट से, ये चेक करें, फ्रंट से यहाँ से लगी हुई है इस साइड से, ये है इसका डैमेज। और ये साथ इसके कैमरी है, कैमरी चेक कर लेते हैं आगे से, इसकी लाइटें, बम्पर वम्पर सब कुछ लगा हुआ है, अलॉय रिम वगैरह ठीक खड़े हैं। ये है इसका इंटीरियर, जो कि बैडली डैमेज है भाई, सारी एयरबैग खुले हुए हैं, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, वो भी खुला हुआ है। तो इसकी मैं स्टार्टिंग बिट भी दिखाता हूँ कितनी है, ये है पीछे से, और इसकी स्टार्टिंग बिट है 1000 दिरहम।
या 20-30,000 तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पर, जब तक बिड ऊपर जाती है तब तक। अच्छा, ये जो कार्स है ये अमेरिका से इंपोर्ट हुई होती हैं, सब गाड़ियां ही अमेरिका से आई हुई हैं, और इसका करते ये हैं कुछ लोग लेके इनको काट के स्पेयर पार्ट करके सेल करते हैं, कुछ लोग लेके इनको रिपेयर करके सेल करते हैं, कुछ लोग लेते हैं रिपेयर करते हैं अपने यूज़ में रखते हैं। और ये गाड़ियां जो आप लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया इंपोर्ट हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। जो SUV है 5 साल पुरानी, और जो सेडान है वो 3 साल पुरानी हो सकती है, हैचबैक भी 3 साल पुरानी हो सकती है, या फिर जो क्लासिक गाड़ियां हैं वो भी इंपोर्ट हो सकती हैं, उनके भी पॉलिसी होती है। और अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद है, कुछ डॉलर्स की वजह से ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, इंडिया में हो रही है। तो बाकी रह गया स्टेयरिंग लेफ्ट से राइट, वो भी हो जाता है बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, शायद यहाँ पर भी वीडियो ऐड कर दूँ, वहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। और मोस्टली ये गाड़ियाँ जो है ना यमन वगैरह भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, इसका भी लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको कुछ और गाड़ियाँ दिखाता हूँ आगे। अच्छा, ये है अमेरिकन करोला, ठीक है, इसकी शेप वो देख लें, ये इस तरह की शेप होती है इसकी, फ्रंट से वो है, बैक से मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे से इसका डैमेज आपको दिखाता हूँ, बम्पर वगैरह डैमेज है इसका। इसकी स्टार्टिंग बिड है 14,500 दिरहम्स, और करोला की काफ़ी ज़्यादा मार्केट वैल्यू है यहाँ पर, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है। इसका मैं आपको स्पीडोमीटर दिखाता हूँ, अमेरिका के अंदर जिस तरह माइल्स होते हैं ना, देखिए ऊपर वाला जो मीटर है वो बड़े वाला माइल्स में ही है, और नीचे किलोमीटर्स के अंदर है, तो ये हमारे लिए भी काम आ जाएगी। दुबई में किलोमीटर्स ही होते हैं, पाकिस्तान इंडिया में भी किलोमीटर्स ही होते हैं। बाकी इंटीरियर इसका वही है जो पाकिस्तान इंडिया में शेप आती है गाड़ी की, या जापान में होती है, या इधर होती है लोकल यहाँ की, वो शेप सेम ही होती है। बाकी जो है पीछे से देख लें, पीछे से इसकी लाइट्स जो हैं वो चेंज होती हैं, इस टाइप की लाइट्स होती हैं। प्राइस का भी आपको आइडिया हो गया होगा, इससे सस्ती भी मिलती हैं यार, बहुत सस्ती सस्ती भी मिलती हैं। इस तरह की सेम एक और कलर खड़ा है, वो कलर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा कलर है करोला में, और ये देखो ग्रीन सा कलर है, लेकिन ये बहुत बैडली डैमेज है, आगे से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका इंटीरियर है, इसका एयर बैग तो पॉप नहीं है, लेकिन ये है इसकी कंडीशन आगे से, ये देखें। अच्छा, ये जो करोला खड़ी है ये कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं ना, इसके एयर बैग खुले हैं, इसकी प्राइस है 15,500 दिरहम्स, और ये पॉइंट आउट किया हुआ है कलरिंग का कि यहाँ यहाँ से कलर होगा मेरे ख्याल से, अंदर से कहीं से डैमेज नहीं है। यार इसका स्पीडोमीटर बहुत प्यारा है, इसका स्पीडोमीटर चेक करो, और ड्रिवन भी कम नहीं है, ये इसका स्पीडोमीटर है, और ये इसका डैशबोर्ड है, ये इसका बैक साइड से है सिस्टम इसका, ये बम्पर उतरा हुआ है यहाँ से, बम्पर नया डलेगा, और बाकी इसके स्टार्टिंग बेड आपने देख लिया जो भी है, बाकी ओवरऑल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका पीछे से बम्पर डलेगा, और आगे से इसका एक शीशा साइड से टूटा हुआ है। कैमरी है 2015 मॉडल है, सामने से बहुत ज़बरदस्त है, एक्सीडेंट इसका बड़ा अजीब सा हुआ पड़ा है, वैसे इसकी प्राइस भी 11,500 है जो कि ठीक है, लेकिन इसका जो अजीब सा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। इसका स्पीडोमीटर भी देख लें, वही माइल्स भी हैं और किलोमीटर्स भी हैं, और ये इसका फीचर वगैरह सब हैं इसमें, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो भी होता है, तो सीट स्मेली है। अच्छा, ये अजीब सा एक्सीडेंट है, एक तो यहाँ से पता नहीं कैसे काटा हुआ है हुड या क्या है, पीछे से शीशा टूटा और ये चीज़ टूटी हुई है, बाकी उसके अलावा ओवरऑल गाड़ी बिल्कुल ठीक है। पता नहीं कोई चीज़ ऊपर से गिरी है या किसी क्रेन वेन से उठाई है गाड़ी, क्या किया है क्या नहीं किया, बाकी बिल्कुल ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग बिड भी ठीक है। और इसके साथ ही ये निसान की एक अल्टिमा खड़ी है, इसके ऊपर अभी तक ये कैलिफोर्निया का नंबर लगा हुआ है, अमेरिका कैलिफोर्निया का ओरिजिनल नंबर प्लेट लगी हुई है, और देख लेते हैं इसको अंदर से क्या कंडीशन है इसकी। आई डोंट नो नंबर प्लेट क्यों लगी हुई है, लाइसेंस प्लेट इसके ऊपर। ओए होए सत्यानाश ही भाई, एयर बैग वगैरह खुले हुए हैं, फ्रंट से देखते हैं इसको, ये है इसका फ्रंट, 19,500 दिरहम जो कि बहुत ज़्यादा है इसकी प्राइस, 19,500 स्टार्टिंग बिड है, बहुत ज़्यादा है, 18 मॉडल है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, या तो ये ऑलरेडी अमेरिका से रिपेयर होके आई हैं, या बगैर एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ आई हुई हैं, लेकिन हैं सारी लॉक, वरना मैं आपको अंदर से दिखा देता इनको। और यहाँ पे सारी मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, ये भी मर्सिडीज़ है, होंडा सिविक है, इनके ऊपर भी प्राइस वगैरह नहीं लगी हुई, मे बी नेक्स्ट ऑक्शन के लिए तैयार करें, या यहाँ पर इन्होंने खुद रिपेयर की हों ये गाड़ियाँ सेल करने के लिए, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लग तो मुझे ऐसी रहे, देखो ना इसकी लाइट्स वगैरह ये और डली हुई लग रही हैं, बाकी कंडीशन वाइज तो न्यू हुई हैं गाड़ियाँ बिल्कुल, या तो पेंट होके न्यू हुई हैं या वैसे ही न्यू हैं। अंदर से देख लेते हैं, ये चेक कर लो, बैक साइड से भी देख लेते हैं, ये देखो सारी गाड़ियाँ, ये बहुत बड़ी जगह है, ये चेक करो, बहुत सारी गाड़ियाँ, नंबरिंग दी हुई है पता कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।
अच्छा, ये मर्सिडीज़ है GLS 450, जो कि 70,000 दिरहम से उसकी बिड स्टार्ट हो रही है। बहुत हाई बिड है जो स्टार्ट हो रही है। इसका डैमी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये है इसके अंदर से एयरबैग वगैरह पॉप हैं, और देख लेते हैं फ्रंट से क्या इसके हालात हैं, मामलात हैं। तो डैमेज तो काफ़ी है इस हिसाब से, मेरे ख्याल से इसकी प्राइस भी काफ़ी है। इस साइड से देख लेते हैं, इस साइड से भी ठीक है, बैक से देख लेते हैं। बैक साइड से भी ठीक है, इसका अपना ही सामान पड़ा हुआ है अंदर जो टूटा हुआ है, लेकिन बहुत महंगी है यार ये तो। इससे कम तो बाकी रेंज रोवर वगैरह सब इससे सस्ती लगी होती है। यार ये लेक्सस है ES 350, और ये इतनी कमाल है ना, ज़बरदस्त है। इसकी स्टार्टिंग बिड है 20,500, और ये बहुत कमाल है यार। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो फ्रंट लाइट्स मैंने देखी है ना, ये है इसका इंटीरियर। सबसे पहले इंटीरियर देख लें इसका, ठीक है। एयरबैग पॉप हैं इसके ये वाले ड्राइवर साइड के दोनों, और फ्रंट साइड से देख लेते हैं। ये इसका इंजन वगैरह, ये भी बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है। लाइट चेक करो यार, लाइट बहुत प्यारी है कसम से। लाइटें दोनों इसकी ठीक खड़ी हुई है। बम्पर आगे वाला डलेगा, और जो भी चीज़ आगे से डलने वाली वो डलेगी। बाकी जो है ना, गाड़ी बहुत प्यारी है, ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इसके ये भी चेक करें, लेवल है लेवल। तो ये थी आज की ऑक्शन, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी खरीदते ऐसे हैं कि यहाँ पे आके कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे बिड होती है, एक बंदा खड़ा होता है। यानी कि ये बिड ऐसी होती है कि इसके गाड़ियों के साइडों पर लोग खड़े होते हैं, और वो एक दरमियान में बंदा खड़ा होता है, और वो लोग कह रहे थे कि मैं इतने दूंगा मैं इतने दूंगा, तो बिड जो है ना वो फिर ऊपर जाती है। तो ये इसका हिसाब किताब होता है, उसके बाद पेपर वगैरह मिल जाते हैं। एक ही सिर्फ पेपर होता है, लोग बहुत पूछते हैं कि पेपर्स डॉक्यूमेंट्स का क्या हिसाब होता है। सिर्फ एक ही यहाँ पर पेपर मिलता है, जो यहाँ पे प्रीवियस ओनर जो होते हैं ना, उनका किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे पाकिस्तान या इंडिया में फाइलें बड़ी बड़ी बनी होती हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पेपर होता है, कैंसलेशन पेपर होगा, या आपके नाम का जो मुबाया हयाजा होता है वो होता है बस। और उसके अलावा एक्सपोर्ट के लिए भी एक्सपोर्ट पेपर बन जाता है। बाकी जो रूल्स हैं वो अपनी कंट्री से खुद पता कर लें आप लोग। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत करता हूँ तो लाइक तो बनता है ना। और कॉमेंट भी कर दो, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए करना है, या कोई क्वेश्चन आया कुछ भी अगर कर दो। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन बताना तो भूल ही गया। ये जो लोकेशन है, ये शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया, ये शारजा के अंदर है, और बहुत बड़ी मार्केट है। हर जगह पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप जाएँ डिफरेंट ऑप्शंस विजिट करें, उसके बाद प्राइजेस देखें, कंपेयर करें मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अगर आपको पता है तभी आके आप लोग गाड़ियाँ खरीदना, इसका अगर पता है चेसिस का वगैरह इन चीज़ों का, तो फिर ही खरीदना, वैसे नहीं खरीदना। और डिफरेंट मार्केट विजिट करें, और जिस पे अच्छी प्राइस मिले वहाँ से आके आप खरीद लें, बस यही हो सकता है।